हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग डिपार्टमेंट में आई हुई वैकेंसीज के बारे में। लगभग 11,500 से ज़्यादा ये वैकेंसीज आउट हुई है, यानी कि 11,700 से ज़्यादा ये वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं, दो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। तो ऑल इंडिया के लिए यहाँ वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं, चाहे आप मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो, दोनों ही एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी भी यहां पर अलग अलग बताई हुई है। सो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मैं आपको ब्रीफ में इसी वीडियो में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप किस नोटिफिकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और किस तरह अप्लाई करना है, और जो सेकंड नोटिफिकेशन है टीचिंग डिपार्टमेंट वाला उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और उसके लिए किस तरह आपको अप्लाई करना है। इसी तरह से हर एक रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन अगर आप सबसे पहले लेना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेकर आऊँगी। इसी के साथ बताना चाहती हूँ, आज ही बिल्कुल फ्रेश 4 से 5 और डिपार्टमेंट हैं जिनके नोटिफिकेशन आ गए हैं, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, अभी अभी मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर अपडेट करके आ चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा और आप स्क्रीन पे वेबसाइट भी देख पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्ट गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट देखने को मिल जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करेंगे टीचिंग डिपार्टमेंट में आई हुई वैकेंसीज के बारे में, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी बताई गई है। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन पर। मैंने आपको बताया दो अलग अलग टीचिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आउट हुई है, 11,753 वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन की, जिसके लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आउट कर दी गई है फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए 8,000 वैकेंसीज, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नोटिफिकेशन जो हम बात करें उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, आपको आज की टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स देखने को मिल जाएंगी, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं जो आज की टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स रिसेंटली आउट हुई हुई है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। जो पहला नोटिफिकेशन आया वो आर्मी पब्लिक स्कूल से आया है, इसके लिए जनरल ओबीसी से ₹500 एप्लीकेशन की फ़ी है और एससी एसटी के लिए भी। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा, आपकी एज कम से कम जितनी मर्जी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, 19, 20, 21 जितनी मर्जी हो, 57 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन इसमें आपके देखिए, इस पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, देन इंटरव्यू, फिर आपके टीचिंग स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की जो है एवेल्यूशन होगी। और फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसके लिए अप्लाई करने की है 20 अक्टूबर 2020, ठीक है, और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं नवंबर में। उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक आप देख सकते हैं, इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, देन लॉगिन करके अप्लाई करना है, फिर ये नोटिफिकेशन है पहले अच्छे से रीड करना, अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आते हैं ज़रूर अप्लाई करना। अब हम चलते हैं अपने सेकंड नोटिफिकेशन पर। हम आ चुके हैं अपने सेकंड नोटिफिकेशन पर, जिसमें 3753 वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं। आज ही ये फ्रेश नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, अगेन अप्लाई मोड ऑनलाइन है, अब ऑनलाइन आपको अप्लाई करना, कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसके नीचे भी आपको ये इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स जो इसके अलावा रिसेंटली आउट हुई है, आप देख सकते हैं पटवारी की, डीआरडीओ, रेलवे एनटीपीसी, एडमिट कार्ड की डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के, हर एक स्टेट का यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट, उसके बाद ITBP, BSF एंड CRPF की रिक्रूटमेंट। बात कर रहे हैं हम सेकेंड नोटिफिकेशन की, जिसके लिए आप देख पा रहे हैं लोअर प्राइमरी टीचर की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ये वैकेंसीज है जो आउट कर दी गई है। उसके बाद ये जो लिंक है आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8th pass, 10th pass, 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वालों के लिए जो वैकेंसीज आउट हुई है वो आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। ये जो वैकेंसीज आउट हुई है ये SSC ने आउट की है, यानी सर्व शिक्षा अभियान ने आउट की है, 12th ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको इस नोटिफिकेशन के लिए पे नहीं करनी है, सर्व शिक्षा अभियान के लिए, ठीक है। और रिटर्न एग्ज़ाम आपका पहले होगा, देन आपकी इंटरव्यू होगी, उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसके लिए एज लिमिट 18 से 44 साल, अप्लाई कर सकते हैं, प्लस रिलैक्सेशन है जो रिजर्व कैटेगरी को दिया जाएगा। और इसके लिए ये जो नोटिफिकेशन आउट किया गया,
SSA ने ये नोटिफिकेशन आउट किया यानी सर्व शिक्षा अभियान ने, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डाउनलोड करके अच्छे से रीड करना, अगर आप एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई करना। ये लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स का लिंक है, लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों अलग अलग दे दिए हैं, फर्स्ट नंबर पर आपको मिल जाएगा और सेकेंड पे अगला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर